छत्तीसगढ़ में असहिष्णुता का एक और ताजा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक खास नारा ना लगाने पर चर्च के पादरी और उसके परिवार को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला बस्तर की लोकताल तहसील का है। मामला है बस्तर की तोकपाल तहसील का, जहां देर रात कुछ लोग रोड और चाकू समेत चर्च में घुस आए। शुरुआत में तो ये लोग पादरी और उसके परिवार को कथित तौर पर एक नारा लगाने को कहते, लेकिन पादरी के इनकार करने से ये लोग इतना बौखला जाते हैं कि चर्च में ही तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन जब तोड़फोड़ से भी मन नहीं भरा तो इन्होंने पादरी, उसकी पत्नी और बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम का आरोप है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो हमलावर एक कथित हिंदू चरमपंथी संगठन के सदस्य थे। फिलहाल स्थानीय ईसाई समुदाय के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में एक चर्च में तोड़फोड़ हो चुकी है।